हेलो गाइज, वेलकम बैक टू चैनल ट्रैवल विद पीएसआर। मैं पवन, और अभी मैं हूँ ऋषिकेश में। और ये सेपरेट वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को सस्ता होटल वगैरह मिल पाए, और मैंने कहाँ पे स्टे किया है ये सब बताने के लिए। कम से कम मैं आप लोगों को भी रूम मिल जाए। तो मुझे जो होटल पड़ा है, मुझे पड़ा है 900 रुपये में सिर्फ, वो भी 2 लोगों के लिए। और बहुत सही होटल है ये, और बिल्कुल इसका लोकेशन ना मतलब राम लक्ष्मण झूले से थोड़ा सा ही आगे है। मतलब सारी चीज़ पास में है, जो भी वाटरफॉल वगैरह भी पास में है, हर चीज़ पास में है। तो आप लोगों को भी इधर उधर मतलब ज़्यादा ना ज़्यादा सर्च नहीं करना पड़ेगा फिर, जब मैं आप लोगों को बता ही देता हूँ। चलो, यहाँ पे ये होटल का नाम है, ये है तपोवन हेवन करके, और आप लोग वहाँ पर सर्च कर लेना। बाकी मैं एक मिनट ट्रिप पर भी मिल जाएगा। और मेरे को लग रहा है कोई नया ही होटल बना है, कुछ ही टाइम हुआ होगा। बहुत सही है ये, तो 400 रुपये पर पर्सन बैठ रहा है, तो कुछ ज़्यादा तो है नहीं। बाकी चलो, मैं आप लोगों को एक बार इसका रूम का टूर कराता हूँ और बाहर का भी दिखाता हूँ। इसका क्या बढ़िया व्यू आ रहा है यार, बहुत ही बढ़िया व्यू आ रहा है। मतलब इतने सस्ते में मेरे को नहीं लगता ये होटल मिल जाएंगे और भी, बट जिस तरीके का है ये, मैं इतनी जगह पर गया, इतने होटल्स में गया हूँ, मेरे को बहुत सही लगा। इसका रेट भी बहुत ठीक लगा। याद रखिएगा, होटल तपोवन हेवन करके है ये। बस जस्ट मेन रोड जो जा रहा है, मतलब मेन रोड है, उसी पे लेफ्ट लेते आती है। आप लोग सर्च कर लेना, गूगल पे भी, मैप पे भी है, हर सब जगह है। तो अभी मैं आ गया हूँ अपने होटल के, अपने रूम के बाहर गैलरी में, जो कि ये मेरा रूम है। और ये देख लीजिए बाहर गैलरी का व्यू। चलो, मैं बैक कैमरे से पूरा ही दिखा देता हूँ। और ये आप लोग देख रहे हो कितना बढ़िया व्यू आ रहा है। ये है अपना पूरा होटल और ये अपना रूम। तो चलिए, एक बार मैं आप लोगों को तो ये है अपना आज का रूम। इधर एक अलमीरा लगा हुआ है जिसमें आप लोग अपने कपड़े वगैरह रख सकते हो। ऊपर हमने अपना सामान रख दिया, ट्राइपॉड वगैरह। इधर एक टेबल दिया हुआ है, बाकी इधर सपना भाई सोने के लिए बेड, बहुत ही ठीक है। और इधर देख लीजिए, यहाँ पे एसी लगा हुआ है, और इधर फैन, और इधर चार्जिंग सॉकेट, चार्जिंग करने के लिए, और वहाँ पे भी चार्जिंग सॉकेट है। बाकी उधर कर्टन लगा हुआ है। और इधर से ना मैं एक चीज़ आप लोगों को दिखाऊं, ये देखो व्यू कितना बढ़िया आता है अपने रूम से। मतलब व्हाट अ व्यू यार, अमेजिंग व्यू। देख रहे हो कितना बढ़िया व्यू आ रहा है, और दिन में तो और अच्छा व्यू आ रहा था। ये अपना पूरा रूम। और एक बार वॉशरूम भी दिखाई देता हूँ आप लोगों को। ये है अपना, इधर गीजर लगा हुआ है, उधर एडजस्ट लगा हुआ है पानी, इधर पानी के लिए, और उधर अपना हैंड वॉश के लिए। ठीक है, आप अपने कपड़े वगैरह टांग सकते हो। और यहाँ का ना वॉशरूम मेरे को काफ़ी बड़ा लगा, मतलब काफ़ी खुला है। ठीक है, बहुत सही बनाया हुआ है। तो चलिए बाहर का व्यू देखते हैं। तो अगर आप लोग ऋषिकेश का प्लान कर रहे हो तो यहाँ पे स्टे कर सकते हो, और भी आप लोग अपने हिसाब से देख सकते हो, जो भी सस्ता होटल हो। बट मेरे को ये ठीक लगा, इसलिए मैंने आप लोगों को रिकमेंड करा। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैं खुद से, मेरे को ठीक लगा ये होटल। होटल ना मेरे को काफ़ी सही लगा, इसलिए मैंने आप लोगों को सजेस्ट किया। अगर आप लोग भी आ रहे हो तो प्लान बना सकते हो। बाकी शाम को, अभी हमारा प्लान ये है कि शाम को आरती होने वाली है, तो हम लोग शाम को आरती देखने वाले हैं। चलेंगे अभी बाहर त्रिवेणी घाट पे। बाकी ये है अपनी गैलरी का व्यू, जो कि मैं आप लोगों को पूरा एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए काफ़ी ठीक है। तो बस थोड़ी देर में हम लोग, अभी 6:30 बज रहे हैं, तो शाम हो ही गई है, थोड़ी देर में निकलेंगे अभी। तब लोग कमेंट करके बताना व्यू कैसा लगा इस होटल से, और अपने विंडो से भी ना बहुत बढ़िया व्यू आ रहा है। तो ठीक है, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। और ये पूरा ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करके जरूर बताना। चैनल पहली बार चैनल सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। गाइज, इधर से देखो एक बार कितना बढ़िया व्यू आ रहा है अपने होटल से। ये देखो बहुत अच्छा व्यू है।